दोस्त मेरे पास Realme Narzo N55 फोन, इस फोन को यूज करते हुए बहुत दिन हो चुका है। हाल फिलहाल में Amazon पर सेल चल रहा है और ये फोन बहुत ही सस्ते में मिल रहा है, इसलिए तो बहुत सारे दोस्त सोच रहे हैं इस फोन को परचेस करने के लिए। आज इस वीडियो में इसका एक कॉम्प्लीट फुल रिव्यू दूंगा और मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा ये फोन लेने के लायक है कि नहीं। चलिए दोस्तों रिव्यू शुरुआत करता हूँ इसकी डिस्प्ले से। देखो यार, डिस्प्ले का साइज तो यहाँ पर बड़ा रखा है, इसमें आप फुल व्यू डिस्प्ले का मजा ले सकते हो। डिस्प्ले के बजल और नीचे जो चेन बहुत ही छोटा रखा है। ये छोड़कर इसमें है 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट जो स्मूथली काम करता है। इसका ब्राइटनेस भी अच्छा है, आउटडोर पर डायरेक्ट सनलाइट पर फोन को आप आराम से यूज कर सकते हो। यूट्यूब पर आप 4K में वीडियो को देख सकते हो, लेकिन 4K वीडियो अटक अटक के चलता है। जब आप फुल HD में या 2K पर रेजुलेशन को स्विच करोगे यहाँ पर वीडियो स्मूथली चलता है और कलर कॉन्ट्रास्ट डिटेलिंग आप यहाँ पर देख सकते हो। इस फोन में मिनी कैप्सूल का फीचर्स मिलता है, जो डायनामिक आइलैंड आईफोन में मिलता है वो फीचर्स इसमें भी मिल जाएगा। इसमें सिर्फ चार्जिंग इंडिकेटर शो होता है। ऐसे भी फोन आता है MediaTek की तरफ से G88 चिपसेट के साथ, जो 12 नैनोमीटर पर बना हुआ है। अंतुतु स्कोर बहुत ही अच्छा निकल कर आया है, उसके हिसाब से एक नॉर्मल यूजर के लिए मस्त फोन है। दोस्तों ऐप ओपनिंग बहुत ही फास्ट हो रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हो। ऐप ओपन और ऐप क्लोज में जो एनिमेशन है वो स्मूथली काम कर रहा है, लेकिन जब बारी आता है गेम प्ले करने का तो इस फोन में मैंने BGMI गेम को ट्राई किया था। 40 FPS में आप खेल पाओगे, लेकिन जायरो का परफॉर्मेंस इसमें बहुत ज्यादा डिले मिलता है। अगर आप जायरो प्लेयर हो, ये फोन आपको बहुत ज्यादा निराश करेगा। स्क्रीन रिकॉर्ड करके गेम प्ले को ट्राई किया था, जब मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ऑन किया FPS डाउन हो गया और फोन हल्का सा लैग करना स्टार्ट कर दिया और हल्का सा हीट भी हो गया है। जब मैंने CPU थ्रॉटलिंग को रन किया था, ग्राफ यहाँ पर पूरी की पूरी ग्रीन दिखाई दे रहा है। मेरे पास है इसका बेस वेरिएंट LPDDR4X RAM के साथ आता है और इसमें eMMC 5.1 का स्टोरेज टाइप है। उसके हिसाब से रैम मैनेजमेंट इसमें डिसेंट मिल जाता है। हेवी एप्लीकेशन या हेवी गेम को रैम में नहीं रखता है, रीलोड कर लेता है। ये छोड़कर इसमें वर्चुअल रैम का फीचर्स भी है। इस फोन की पीछे की तरफ ड्यूल कैमरा सेटअप है, एक सेंसर जो काम की आता है 64 मेगापिक्सल। इसमें अल्ट्रावाइड सेंसर नहीं है। फोन बहुत ही अच्छा फोटो क्लिक करता है, कुछ फोटो सैंपल आप यहाँ पर देख लीजिए। स्काई का कलर को भी फोन बहुत ही अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज करता है, स्किन टोन को भी बहुत ही अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज करता है। छोड़कर डिटेलिंग वगैरह मस्त आता है। कुछ फोटो मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हो। इस फोन में है 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, बहुत ही अच्छा फोटो क्लिक कर लेता है, स्किन टोन को बहुत ही अच्छी तरीके से मैनेज कर लेता है, डायनामिक रेंज को भी अच्छी तरीके से मैनेज कर लेता है। पोर्ट्रेट मोड में मैंने कुछ फोटो खींचा था, बैकग्राउंड को बहुत ही अच्छी तरीके से ब्लर कर लेता है, इस डिटेक्शन वगैरह को ठीक ठाक तरीके से यहाँ पर मैनेज कर लेता है। इस फोन की बैक कैमरा से आप फुल HD 60 FPS में वीडियो को रिकॉर्ड कर पाओगे और सेल्फी कैमरा से आप फुल HD 30 FPS में वीडियो को रिकॉर्ड कर पाओगे। वीडियो सैंपल आप यहाँ पर देख सकते हो, दोनों कैमरा से आप अच्छा वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, कलर वगैरह सही से आ रहा है। इसका सारा रॉ फोटो सैंपल मैंने वेबसाइट में अपलोड कर दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन पर है, आप जाकर सारे फोटो को और भी डिटेल में जूम वगैरह करके देख सकते हो और उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो इसका कैमरा कैसा है। देखो यार, फोन का डिजाइन तो मस्त है, फोन पतला है, हल्का है, हाथों में कंफर्टेबल फील देता है। फोन का जो बैक पैनल है वो पॉलीकार्बोनेट का बना हुआ है, लेकिन पीछे की तरफ ग्लॉसी फिनिशिंग रखा है, इसके वजह से क्रैशेस तो नहीं आता है, फिंगरप्रिंट का निशान बहुत ही जल्दी चला आता है। ऐसे भी इसका बैक पैनल दब जाता है, आप यहाँ पर देख सकते हो। फ्लैट डिस्प्ले के साथ आता है सेंटर पंच होल है, इसमें साइड माउंट फिंगरप्रिंट सेंसर है जो हर बार एक्यूरेट और फास्ट काम करता है। हाल फिलहाल में फोन एंड्रॉइड 13 पर रन हो रहा है और इसमें रियलमी UI 4.0 है। Realme UI 4.0 के बारे में बात किया जाए तो दोस्तों इसमें आपको ढेर सारी प्रिंस्टॉल ऐप मिलेगा, जिसको आप मैनुअली अनइंस्टॉल कर सकते हो। ऐसे भी इसमें हॉट गेम, हॉट एप्स मिलता है और एक नया मेमन ऐड हो चुका है हॉट फ्री गेम्स करके। ये जो सारा एप्लीकेशन है बहुत सारा ऐप को इंस्टॉल करने के लिए फोर्स करता है। ये छोड़कर Realme बहुत ही स्मार्ट तरीके से ऐड को शो करता है, आप यहाँ पर देख सकते हो, जो बहुत ही बेकार की लगा है मुझे। ये छोड़कर इसमें ढेर सारी फीचर्स मिलता है, ऐप लॉक, ऐप क्लोन का फीचर्स मिल जाता है। UI अच्छा है, लेकिन आपको कस्टमाइज करना होगा। देखो यार, ये जो फोन है एक 4G फोन है, लेकिन इसमें 4G प्लस का सपोर्ट नहीं है। इस फोन में जो माइक है वो नॉइस को बहुत ही अच्छी तरीके से कैंसिलिंग कर लेता है, लेकिन डिफॉल्ट आता है गूगल डायलर के साथ, कॉल रिकॉर्डिंग अनाउंसमेंट सुनाई देगा। इसमें आप SD कार्ड को यूज कर सकते हो, हैप्टिक फीडबैक मस्त मिल जाता है, साउंड लेवल विदिन लिमिट है। फोन आता है सिंगल स्पीकर के साथ, हाँ दोस्त फुल वाले में म्यूजिक सुनोगे, फोन हल्का सा वाइब्रेट करता है। फोन में है 5000 mAh की बैटरी और इनबॉक्स आता है 33 W का एडाप्टर के साथ। फुल चार्ज होने के लिए 1 hour 15 minutes के आसपास में टाइम लेता है और स्क्रीन ऑन टाइम बैटरी बैकअप इसमें 6 hours प्लस मिल जाता है, क्योंकि आप दिन में एक बार चार्ज करोगे सारे दिन आराम से निकल जाएगा। चलिए दोस्तों, अब सीधी सी बात करते हैं Realme Narzo N55 कैसा है और किसको परचेस करना चाहिए। देखो भाई, हाल फिलहाल में इसका प्राइस बहुत ज्यादा ड्रॉप हो चुका है। अगर आप Amazon से परचेस करते हो, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है, ये फोन आपको बहुत ही सस्ते में मिल जाएगा और प्राइस के हिसाब से देखा जाए ये जो फोन है एक नॉर्मल यूजर के लिए मस्त फोन रहेगा। अगर आप गेम ज्यादा नहीं खेलते हो, आपके लिए जो फोन है परफेक्ट रहेगा, आप लॉन्ग टाइम के लिए इस फोन को यूज कर सकते हो।
इसका कैमरा भी अच्छा है, डिस्प्ले का क्वालिटी भी अच्छा है, बैटरी बैकअप भी अच्छा मिल जाता है। और एक अंदर की बात बता देता हूँ, रियलमी ने रियलमी C55 को लॉन्च किया है फ्लिपकार्ट में। सेम फोन रियलमी नार्जो N55 है, कुछ चीज इधर उधर कर दिया है, क्योंकि अगर आप कंफ्यूज हो ये दोनों फोन लेकर तो आप ये दोनों फोन से कोई भी एक फोन को चूज कर सकते हो। रियलमी नार्जो N55 फोन बहुत ही अच्छा फोन है, आप जरूर परचेस कर सकते हो। ऐसे भी ये फोन आपको कैसा लगा है आप मुझे कमेंट में जरूर बता सकते हो। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, मेरा समझाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। अगर आपने अभी तक इन्फिनिक्स स्मार्ट 7 SD का रिव्यू वीडियो नहीं देखा तो आप इधर क्लिक करके वीडियो को देख सकते हो।